हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिकाजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेमर रूल के बारे में, जिसका यूज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जाता है। मतलब जो लीनियर इक्वेशन यदि हमें टू वेरिएबल्स के अंदर दी हुई है, तब हम क्रेमर रूल का यूज करके उनमें जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टू लीनियर इक्वेशंस होना चाहिए। ये हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, 2x plus 3y equal to 10, और सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y equal to 5। ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए मुझे किसका यूज करना है, क्रेमर रूल का यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो क्रेमर रूल का यूज करने से पहले हमें दो बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वो दो बातें कौन सी है, फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट है कि जो लीनियर इक्वेशन हमें दी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हम जानते हैं कि जो टू वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0। ये टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशन कौन से फॉर्म में होने चाहिए, इस वाले फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तब हम क्रेमर रूल का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करने के बाद फिर क्रेमर रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे जो दोनों लीनियर इक्वेशन दी है वो दोनों लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है कि जो हमें लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब जो नंबर वाला पार्ट अकेला वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा, तो वो कहाँ होना चाहिए, वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म कहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर हैं लीनियर इक्वेशन में तो हम क्रेमर रूल का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम क्रेमर रूल का यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल लगाऊंगा, फिर मैं टू वर्टिकल लाइन खींचूंगा। ठीक है, वो अपॉन लगाऊंगा और फिर मैं टू वर्टिकल लाइन खींचूंगा। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में मुझे क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अब कौन सी वैल्यू रखूं ये कैसे पता करेंगे, तो यहां पर जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मैं x और y के क्या लिखूंगा, कोफिशियंट लिखूंगा। तो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन में x और y का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट 2 है, y का कोफिशियंट 3 है, और सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशियंट 3 है और y का कोफिशियंट 2 है। तो इन कोफिशियंट्स को मैं कहां लिख दूंगा, नीचे वाले पोर्शन में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, जैसे 2 है तो मैं 2 यहां लिखूंगा, और फिर नीचे क्या लिखा है 3, तो यहां पर 3 लिखूंगा, और फिर यहां पर क्या आएगा 3, और नीचे क्या आएगा इसके 2 आएगा। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ऊपर वाले पार्ट में क्या लिखूंगा, ऊपर वाले पार्ट में देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाले पार्ट के जो कोफिशियंट हैं उनकी जगह पर मैं किसका यूज करूंगा, कॉन्स्टेंट टर्म वाले, मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं उनकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, एक्स वाला, सेकंड वाला पार्ट क्या है, वाई वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में किसको पुट करना है, मुझे कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू पुट करना है। क्यों, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जब हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हों तब एक्स वाले पार्ट पर मुझे किसकी वैल्यू पुट करना है, ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो मैं क्या पुट करूंगा, 10, तो यहां पर मैं 10 लिखूंगा, और यहां पर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 10 और 5, नीचे क्या लिखा है, 5 लिखा है। अब मैं यहां पर कौन से वाले पार्ट की वैल्यू पुट करूंगा, बाई वाले पार्ट की, तो बाई वाला क्या है, 3 और 2। ठीक है, अब ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं इनको सॉल्व कैसे करूं, तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ये देखो ये डिटरमिनेंट, इनको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट को करेंगे, ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या करूंगा, तो पहले मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर माइनस का यूज करके फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे लिखूंगा एक्स इक्वल, पहले कैसे मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा,
20 और बीच में किसका यूज करूंगा माइनस का, और फिर मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 15 अपॉन, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4 माइनस, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 9 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो x इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस 15 कितना आएगा 5 अपॉन, और प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा, और दोनों में बड़ा कौन है माइनस का है तो माइनस के 5 आएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा y, और मैं 2 वर्टिकल लाइन खींचूंगा अपॉन में क्या फिर 2 वर्टिकल लाइन खींचूंगा। अब मैं वैल्यू कैसे पुट करूंगा, देखो नीचे वाला जो पार्ट है वो दोनों में क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में मैं x और y की जो कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू को पुट करूंगा, तो क्या क्या है इनकी वैल्यू 2 और 3, और इसकी क्या है 3 और 2, ठीक है। ऐसी y की वैल्यू को मुझे क्या करना है फाइंड करना है, तो मैं y वाले पार्ट पर मैंने बोला था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उस वाले पार्ट पर मैं कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को पुट करूंगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और 5, ठीक है। तो यहां पे y वाले पार्ट पे मैं 10 5 लिख दूंगा, ठीक है। और x वाले पार्ट पे मैं क्या लिखूंगा जो x के कोएफिशिएंट है वो, तो 2 और 3 मैं यहां पे क्या लिखूंगा 2 और 3। अब मैं इसको जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया था ऐसे ही मैं किसको सॉल्व करूंगा जो y वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो y तो यहां पे आएगा y इक्वल। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा 5 2 = 10 और बीच में किसका यूज करूंगा माइनस का, और फिर मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो क्या आएगा 10 3 = 30 कितना आएगा 30 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 2 = 4 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 3 = 9 y इक्वल टू, और प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 10 कितना आएगा 20 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है माइनस है, तो माइनस का 30 है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा, और आएगा किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा क्या है बड़ा नंबर क्या है 9 और इसका साइन क्या है माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5 हो जाएगा कितना आएगा 20 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने किसका यूज किया, क्रेमर्स रूल का यूज किया। ये क्रेमर्स रूल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड है, इसके द्वारा हम कोई भी लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल में उसको हम बहुत ही जल्दी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकॉन को ही दबाइए ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।